दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं एक गेम पब्लिश कर रहा हूं जिसका नाम है अबे चुप और लगभग चार महीने हो गए हैं जब मैंने उस गेम के बारे में बात की थी उसका ट्रेलर वगैरह दिखाया था आप लोगों को आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था एक सत्रह साल के मानिक जी हैं वो उस गेम को मेन बना रहे हैं अब उनके पास एक टीम है जो लगभग चार महीने से लगातार काम कर रही थी और फाइनली अब वो रिजल्ट हमारे सामने है कि मैं आप लोगों को एक गेम प्ले डेमो दिखा सकूं उस गेम के बारे में कुछ नए अपडेट बता सकूं कि गेम कैसी होने वाली है और उसकी जो स्टोरी है वो क्या होगी तो बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में जिनके जवाब आज मैं और मानिक जी साथ मिलकर देने वाले हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे फोन पर बात की थी तो जो हमारे बीच की कन्वर्सेशन है वो आप लोगों के सामने मैं एज इट इज प्रेजेंट कर रहा हूं तो आप गेम प्ले को देखने के साथ साथ हमारी बातों को सुनिए और उसके बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आपको जाकर गेम को डाउनलोड करना है और ये एक प्योर हिंदी गेम होने वाली है जिसके अंदर आपको हिंदी कन्वर्सेशन हिंदी डायलॉग्स वगैरह सुनने को मिलेंगे जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग के पोर्शन में सुने भी थे तो वैसा ही पूरा डेमो आप लोगों को मिलेगा जिसे कंप्लीट करने में लगभग 15 गेम, गेम है तो बस आप इस वीडियो का तक देखेगा और उसके बाद गेम को गेम में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए को लाइक तभी कीजिएगा जब आपको पसंद आएस्कार नमस्कार नमस्कार जी कैसे हो अरे बहुत अच्छा हूँ जी क्या हाँ, है ना मेरी भी बहुत व्यस्तता चलती रहती है इसलिए मैं बात नहीं कर पाता आप बताइए कि जो भी अपडेट है जो भी बातचीत है वो आप मुझे बताइए जिससे मैं अपने व्यूअर्स तक भी आपकी और मेरी जो कन्वर्सेशन है वो पहुंचा सकू बताइए क्या अपडेट है देखिए एक चीज समझाता हूँ सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गेम है जी आ, हम लोग पिछले चार महीने से बना बना रहे हैं एंड हाँ। उस समय हमारी बात हुई थी कि हम इसका डेमो थोड़ा रिलीज कर देंगे कुछ दिनों में हाँ। पर लग गए चार महीने जी ऐसा क्यों हुआ उसका भी वजह बताता हूँ जी आपने देखा तो होगा कि साइबर पंग जो है मतलब क्या कहते हैं वो अगर थोड़ा सा और टाइम होता दिया जाता बाद जो गेम का रिजल्ट आया अभी भी उतना परफेक्ट नहीं बनाया पर लेकिन फिर भी जिन्होंने देखा चाहे वो गेमर हो या ना हो वो देख के उनका जो रिएक्शन था वो ऐसा था कि भाई तूने क्या बना दिया वो चीज थी ठीक अच्छा, so है ठीक अच्छा. हाँ, है ठीक है, है तो अब इसमें मतलब ये तो गेम तो अपनी हमारी फर्स्ट पर्सन है ना ये फर्स्ट पर्सन गेम है बस ये है कि उसमें एक्शन नहीं है पजल वगैरह ज्यादा है अच्छा, पजल और अच्छा कुछ नए एलिमेंट इसमें डाले आपने बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कट सीन्स आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे okay. जो जो अभी आप इस गेम का जो फाइनल कट सीन होता है लास्ट वाला कट सीन आपको उसे देखने पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एकदम ट्रिपल क्वालिटी वाला फील आता है मतलब ऐसा आपको लगेगा कि एक बहुत ही अच्छा स्टोरी गेम है मतलब एक ग्लोबल लेवल का जिसका कट सीन चल रहा होगा और वो कट सीन आप जानते होंगे पूरा हिंदी भाषा में अपनी भारतीय भाषा और मैंने एक और चीज डाली है वो है थोड़ा सा इंडियन माइथोलॉजी इंडियन माइथोलॉजी मतलब देखिए जो गेम है सेट है इसी आसपास की एज में पर लेकिन जो अपनी विलन है इस गेम की वो टेक्निकली बहुत ज्यादा हिंदी में बात करती है और वो इंडियन माइथोलॉजी डाला है आपने फीमेल Antagonist female है okay. और वो जो है हिंदी में बात करती है और साथ hmm. ही साथ वो जो है अपनी माइथोलॉजी को मानने वाली करेक्टर है so, hmm. कर अपरिचित देखी होगी hmm. तो अपरिचित में क्या होता था कि जो विलन था वो इंडियन माइथोलॉजी से उठाकर बहुत सारी टिपिकल हिंदी वाली चीजें बताता था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा ऐसा ऐसा सो hmm. so, वो भी जो लड़की है इस गेम के अंदर Hmm. वो इसी टाइप की औरत है जो चाहती नहीं है कि दुनिया में कोई भी इंसान बुरी किसी भी तरह से कोई भी बुरा कार्य करे hmm. सो उसने अपनी जिंदगी में जिसने भी कुछ भी ऐसा गलत करा है उसको न, शिक्षा देने के लिए ये भारतीय आभाषिक पर्यटन योजना शुरू करी है और हाँ और इनकी और ये लोग क्या कहते हैं इन्हीं लोगों को सिखाने तो बेसिकली यहां जो अपना है, अपना है मेन गेम का ये बेसिकली ये इसको ये लोग पकड़ के लाए हैं कहीं से और ये लोग जबरदस्ती उस अपना जो पर्यटन योजना इन्होंने बना रखी है मतलब इनका क्या है कि ये लोग लोगों को ट्रेवल कराते हैं और ट्रेवल कराने के साथ साथ उनको ये सारी माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़, चीजें अपने भारत में पुराने ज़माने में राजाओं की क्या क्या कहानी रही थी वो सब बताते थे और जब मतलब और उन जगहों पे घुमाते भी थे सो so बेसिकली अभी तो ये जगह खाली हो चुकी है और यहाँ पर ये अपने प्रोटैगनिस्ट प्रसर्श को लाए हैं और उसको उ, उससे जो है एक बहुत ही खतरनाक लेवल की टेस्टिंग करा रहे हैं और, और उसको जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं उसको भागने नहीं दे रहे

सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है जी जी इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास एक ग्राफिक कार्ड होना चाहिए कम से कम जीटी 1030 के आसपास का यानी वो जो 2 जीबी का ग्राफिक कार्ड होता है ओके द तो, तो क्या कहते हैं um इसके जीटी 1030 के आसपास का कोई भी ग्राफिक कार्ड चाहे वो राइजन में हो चाहे वो अपना वो ठीक है आपका जो रैम है ये रैम जो छह जीबी से छह जीबी मतलब से आठ जीबी रैम अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छे चल जाएगा चार जीबी वालों में भी टेस्ट करा है, पर मतलब वो छह okay, okay, okay. जीबी हाँ। करोगे छह से आठ जीबी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ठीक है और इसमें वही प्रोसेसर आपका i3 i5 चाहे कोई भी होके आई i3 से ऊपर का होना चाहिए i3 थ्री आई फाइव आई सेवन आई और वही चाहे वो आप राइजन में ले रहे हो तो राइजन के तो के संभाल लेते हैं आ, और क्या कहते हैं ये जो है इसमें मैंने सेटिंग्स भी डाल रखी है ग्राफिक सेटिंग लो मीडियम हाई एपिक तो जिनके पास बहुत अच्छा पीसी हुआ एपिक और थे अभी थे आपने ये जो डेमो निकाला है कितनी देर का है ये मात्र दस अः दस बारह मिनट का है पहले

देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको लगेगा ये पूरा साल 2021 ठीक है पर लेकिन उसके दौरान हम गेम से रिलेटेड ले एक पॉडकास्ट शुरू करेंगे जो पॉडकास्ट यहाँ अपना स्पॉटिफाई पे जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा उस पॉडकास्ट में जो गेम की दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ कहानी चलेगी उसके अलावा जो मेकिंग की सीरीज है मतलब जैसे ही गेम बन रहा है उसके ऊपर वीडियोज आते रहेंगे हर महीना जिसमें हम लोग बताएंगे कि हमने गेम पे अभी कितना प्रोग्रेस करा पूरी ऑडियंस को दिखाएंगे ताकि लोग को टोटल कितने चैप्टर चैप्टर रखे हैं आपने इसमें में आपको बता देता हूं कि इसमें देखिए हमने क्या देखा है रखा है कि इसमें टोटल भारत की 11 इंडियन लोकेशंस जिसमें जैसे कि आपने शुरुआत में देखा वो हिमालय जैसा दिखने वाला एरिया है हुँ. वैसे ही पर लेकिन आगे जो हम लोग आर्ट स्टाइल बनाएंगे जब हमें फंडिंग मिलेगी तो अच्छे से बनाएंगे तो टोटल इसमें जो आने वाली है, और वो ग्यारह लोकेशंस के बेसिस पे इसमें जो है जो लेवल्स जो हैं वो क्या कहते हैं बीस uh, से ऊपर जा सकते हैं लेवल्स कि मतलब जो गेम प्ले, प्ले बाद में जो टोटल गेम प्ले निकलेगा वो पांच से छह घंटे का होगा हाँ

इंग्लिश फ्रेंड मतलब कोई American friend देख लूंगा या फिर अपने जो हिंदी हैं उन्हीं से कह ताकि वो English में भी करें। फिलहाल ये है कि अभी आपके आपने जो डेमो प्ले बना रखा है, थीके? है? है ठीक ठीक वो हम लोग देख ही रहे हैं उस चीज को और दोस्तों आपको ये चीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और नीचे आपको दे दिया गेम प्ले डेमो खेलो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है खेलने में और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है कि आपको जो डेमो में एक दो बग्स मिल जाएं या फिर कहीं पर आपको समझ में ना आ रहा हो कि आगे तो क्या तो उसके लिए है? आप फीडबैक दे सकते हैं कि कि हाँ हाँ पर पर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं लेकिन आई आई एम श्योर आप लोग को जो जिस तरह से हमने बनाया है जो वॉइस एक्टिंग में हमने मेहनत करी है जो uh, मैंने लाइक like, माइक अपने बजट से खरीदा सारी चीज तैयार करी वो आपको जरूर जरूर पसंद आएगी चलिए बहुत अच्छी बात है तो दोस्तों जाकर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं आ इसकी फिर लाइव स्ट्रीम भी करूं अबे चुप की ठीक है और फिर मैं आपको लाइव स्ट्रीम में खेलकर दिखाऊंगा गेम प्ले डेमो पूरा और फिर अच्छे से इस बारे में डिस्कस करेंगे